ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे ही गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस आप लोग जो अभी इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो गाइस इस बैकग्राउंड का डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमेशा की तरह, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद जो आप सभी को सिंपली क्या करना है, आपको मॉडल को जो आप उसको इस कार के ऊपर आपको सेट करना है, ठीक है, आपको बैठा देना है। एंड गाइस बैठाने के बाद जो आपको सिंपली क्या करना है, शेडो वगैरह बनानी है। तो शेडो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ पर अच्छे से एकदम अच्छे से मतलब कार के ऊपर बैठा देता हूँ मॉडल को। ओके गाइस तो जब मॉडल को आप यहाँ पे बैठा दोगे तो गाइस उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है इसमें, जो कि गाइस आपको मॉडल को सिलेक्ट करना है रेजर टूल में जाके करना है। वो गाइस क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे सिंपली आपको जो है इसकी साइज़ को इंक्रीज करना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है, उसके बाद जो साइड साइड से इस तरीके से इरेज करना है, यानी कि मतलब जो मून है आपका उसका जो रिफ्लेक्शन आपके फेस के ऊपर पड़ रहा है वो दिखाने के लिए आपको यहाँ पे जो हल्का हल्का इरेज करना है। तो उसको भी मैं फटाफट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस तो इतना हो जाने के बाद जो आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का, आपको सिंपली इसमें जाना है, ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को ऐड करना है। उसके बाद गाइस आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना, एंड ऐड करने के बाद जो आपको अपने मॉडल के नीचे शेडो बनानी है, तो शेडो कैसे बनानी है आपको उसको स्क्रीन कर देना फुल स्क्रीन, एंड उसका रिजल्ट टूल में जाना है। आपको रिजल्ट डालने के बाद आपको साइज को थोड़ा छोटा करना है, एंड फोटो को जूम करके आपको जो जहाँ जहाँ पे शेडो, जहाँ जहाँ पे आपको शेडो चाहिए वहाँ पे आपको सिंपली इसको पेंट कर देना, ठीक है, ताकि जो मतलब जिस जगह पे शेडो चाहिए वहाँ पे मतलब पेंट हो जाए, वहाँ पे रियलिस्टिक सा लुक आ जाए। तो इसको भी मैं फटाफट करता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस जितना हो जाने के बाद जो आप सभी को करना है क्या गाइस, आप लोगों को अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेके चलना आपको लाइट रूम ऐप में गाइस इसलिए ले जाना है क्योंकि वहाँ पे रिटच करके हम फोटो को और भी अच्छी बनाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, तो अब लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे फोटो को ओपन करने के बाद आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हल्का सा प्लस कर देना है, एंड जो हाईलाइट्स हैं इसको हल्का सा माइनस कर देना है, जो शेडो है इसको इंक्रीज कर देना है, जो व्हाइट है यहाँ पे इसको माइनस कर देना है, जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी ब्लैक कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जाना आपको कलर्स में, आपको कलर्स में जाने का वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो में थोड़ा सा टेम्परेचर को जो है माइनस की तरफ कर देना ताकि फोटो में ब्लू टोन आ जाए। देन आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको रेड कलर सेलेक्ट करना है, गाइस इसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस करना ताकि गाड़ी जो है आपकी थोड़ी सी डार्क रेड हो जाए। देन उसके बाद जो है गाइस आपको जाना येलो कलर में, येलो कलर है नहीं हमारी फोटो में तो सैचुरेशन आपको माइनस कर देना। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, ब्लू कलर गाइस अगर आपको ज़्यादा लगे आपकी फोटो में तो आप इसको सैचुरेशन माइनस कर देना। बाकी गाइस बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ, तो गाइस यहाँ पे जाना आपको, यहाँ पे फिर उसके बाद क्लियरिटी को इंक्रीज करना है। क्लियरिटी को इंक्रीज करने के बाद आपको फोटो में विग्नेट डाल देना, अपने फोटो के अकॉर्डिंग जितना आप चाहते हो उतना ही डालना, ठीक है, ज़्यादा मतलब कम मत डालना, अपने हिसाब से डालना जितना आपको सही लगे। देन उसके बाद आपको ग्रेन अमाउंट बढ़ाना आपको उसको हल्का सा, एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो के यहाँ पे आपको शार्पनेस इंक्रीज कर देनी, फोटो में डाल देना नोट रिडक्शन, एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोट रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ सबसे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड बाय।